प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूमिका जाट क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह दो ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 1 से कार्यपत्रक 5 तक। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 पेज नंबर 1। दक्षताएं, संख्याओं को पहचान कर उनको सही क्रम में लगा पाना। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई किताबों को सही क्रम में अलमारी में जमाइए। 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927। तो ये जो नीचे किताबें थी, इनको जहाँ खाली जगह थी उनको हमने सही क्रम से जमाया। अगला सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्या लिखिए। पहला है 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825। खाली जगह हमने सही संख्या लिखी। दूसरा है 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562। तीसरा है 3780, 3779, 3778। देखिए इसमें एक एक कम हो रहा है, तो यहाँ अगला 3777, 3776, 3775। चौथा है 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994। पाँचवा है 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774। छठा है 5438, 5437, 5436, 5435, 5434, 5433। ये था कार्यपत्रक 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 2 पेज नंबर 2। दक्षताएं, चित्र संकेतीकरण द्वारा संख्या निर्माण कर पाना। सवाल 1, प्रतीक चिन्हों चित्रों की सहायता से बॉक्स में संख्या भरिए। ये इस प्रकार का 1000, इस प्रकार का चित्र 100 यानी सैकड़ा, इस प्रकार का चित्र 10 यानी एक दाही, और इस प्रकार का चित्र 1 इकाई। तो अब हमने इसमें से देखिए प्रतीक चिन्ह 1000, सैकड़ा, दाही, इकाई और संख्या बनानी। इनमें से देखिए 1000 2, सैकड़ा 4, दाही 3, इकाई 3, संख्या बनी 2433। देखिए 1000 की जगह ये 2 हैं और यह सैकड़ा की जगह 4 हैं, दाई की जगह 3 है और इकाई की जगह भी 3 है। इस प्रकार से हमने इनको गिनना है। इसमें देखिए 3000, 2 सैकड़ा, 4 दाई, 3 इकाई, 3243। इसमें 1000, 3 सैकड़ा, 2 दाई, 2 इकाई, 1322। इसमें देखिए 4000, 4 सैकड़ा, 1 दाई, 4 इकाई, संख्या बनी 4414। अगला इसमें देखिए 5000, 2 सैकड़ा, 3 दाई, 2 इकाई, संख्या बनी 5232। इसमें 3000, 1 सैकड़ा, 2 दाई, 6 इकाई, संख्या बनी 3126। इसमें 6000, 5 सैकड़ा, 2 दाई, 1 इकाई, संख्या बनी 6521। इसमें 3000, 3 सैकड़ा, 2 दाई, 4 इकाई, संख्या बनी 3324। अगला इसमें देखिए 5000, 7 सैकड़ा, 1 दाई, 0 इकाई, 5710। इसमें 1000, 4 सैकड़ा, 4 दाई,
एक इकाई 1441। ये था कार्यपत्रक दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक तीन, पेज नंबर 3, दक्षताएं बिन्ने की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये चित्र देखिए, चित्र में कुल 4 भाग हैं, इसमें से एक भाग छायांकित कर रखा है, तो इसकी भिन्न बनेगी, चित्र में छायांकित भाग की भिन्न बनेगी 1/4। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। बराबर किए गए कुल भागों की संख्या 4, कुल भागों में से छायांकित भाग 1, भिन्न बनेगी छायांकित भागों की संख्या 1/कुल भागों की संख्या। ऐसे ही हमें इसमें भी भिन्न बनानी है, कुल बराबर भाग छायांकित भाग भिन्न अंश और हर। कुल बराबर भाग 4, छायांकित भाग 1, भिन्न बनेगी 1/4, इसमें अंश 1, हर 4। कुल बराबर भाग 12, छायांकित भाग 5, भिन्न बनेगी 5/12, अंश 5, हर 12। कुल बराबर भाग 8, छायांकित भाग 6, भिन्न बनेगी 6/8, अंश 6, हर 8। तो यहाँ देखिए 3/5, तो कुल बराबर भाग 5, छायांकित भाग 3, अंश 3, हर 5। अगला देखिए, इसमें 5/7, तो यहाँ कुल भाग 7, छायांकित भाग 5, अंश 5, हर 7। इसमें देखिए अंश 3 है, हर 8 है, तो यानी भिन्न बनेगी 3/8, कुल बराबर भाग 8, छायांकित भाग 3, यानी 3/8। इसमें देखिए अंश 7, हर 10, 7/10 भिन्न बनेगी, कुल बराबर भाग 10 और छायांकित भाग होंगे 7। तो ये था कार्यपत्रक 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 4, पेज नंबर 4, दक्षताएं चित्र अथवा वस्तुओं के समूह आधा 1/4 3/4 भाग को पहचान कर पाना। देखिए पहला है, नीचे दिए गए समूह चित्रों के आधे भाग को छायांकित कीजिए। आधे भाग को छायांकित करना, 6 फूल में से 3 बुक फूल छायांकित हैं, तो आधा हो गया। इसमें देखिए 3 3 6 3 9 3 12 हैं, 12 में से 1 2 3 4 5 6 6 को छायांकित करना है। इसमें देखिए 4 मछली में से 2 मछली छायांकित करेंगे, 1 और 2, 2 मछली छायांकित करेंगे तो आधा हो जाएगा। दूसरा देखिए, नीचे दिए गए समूह चित्रों के 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। 4 में से 1, इन 4 में से 1 को छायांकित करेंगे, इन 8 में से 2 को छायांकित करेंगे, और इधर यहाँ हैं 12 में से 3 को छायांकित करेंगे। अगला है तीसरा, नीचे दिए गए बॉक्स के समूह चित्रों के 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। 3/4 यानी 4 में से 3, तो यहाँ देखिए इन 4 में से इन 3 को, इन 4 में से इन 3 को, और इन 4 में से इन 3 को, यानी 12 में से 9 को छायांकित करेंगे। इधर देखिए इन 4 में से इन 3 को, 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 और इन 4 में से इन 3 को, यानी ये करेंगे कितने हैं, 20 में से 15 को हम छायांकित करेंगे। इसमें देखिए यहाँ 4 में से इन 3 को, इन 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 4 में से इन 3 को, और इन 4 में से इन 3 को, यानी 4 4 8 4 12 16 20 4 24 में से 3 6 9 12 18, तो 18 को हमने छायांकित किया, ये हुआ 3/4। अगला है चौथा, नीचे दिए गए चित्र समूह में से 2/4 भाग को रंग से भरिए। 2/4 यानी 4 में से 2 2/4 यानी आधा हो जाएगा। यह देखिए इनमें से हमने आधी गेंदों को छायांकित कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 में से 8 को छायांकित करेंगे, और यहाँ है 1 2 3 4 5 5 6 20 20 में से 10 को छायांकित कर देंगे। तो ये था कार्यपत्रक 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 5, पेज नंबर 5, दक्षताएं भिन्नों की तुलना में चिन्हों का प्रयोग करना तथा घटते बढ़ते क्रम में लिख पाना। पहला सवाल है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच बड़ा, बराबर और छोटा में से उचित चिन्ह लगाइए। खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, और बराबर जब दोनों तरफ बराबर हों। पहला है ये 1/4 और ये भी 1/4, तो बराबर है। दूसरा है ये 2/4 और ये 3/4,
तो ये बड़ा है, ये छोटा है, चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। और इस तीसरे वाले में ये है 5/8 और ये है 3/8, तो यहाँ ये बड़ा है, ये छोटा है, तो चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। अगला सवाल नंबर 2, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। यह है 1/3, यहाँ ये भी 1/3, इनको मिलाएंगे। ये है 1/4, यहाँ ये भी 1/4, ये है 2/4 यानी आधा, यानी 1/2 इससे मिलाएंगे। ये है 1/6, ये है 2/12 इससे मिलान किया। ये था कार्यपत्रक 5। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 1 से 5 तक समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।